नमस्कार दोस्तों, कोल्ड स्काई में आप सभी का स्वागत है। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट की डिलीवरी के चर्चे हर तरफ हुए हैं। एक्ट्रेस ने 6 नवंबर को अपनी बेटी को जन्म दिया। आज यानी 10 नवंबर को एक्ट्रेस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर पहुंच गई है। इस दौरान रणबीर कपूर बेटी को गोद में थामे दिखाई दिए। आलिया भट्ट की प्रेगनेंसी को लेकर फैंस ये जानने में दिलचस्पी ले रहे हैं कि एक्ट्रेस ने बेटी को नॉर्मल या सिजेरियन किस तरीके से जन्म दिया है। मीडिया में आई रिपोर्ट्स की माने तो हॉस्पिटल पहुंचने के कुछ देर बाद ही आलिया को लेबर पेन शुरू हो गया और एक्ट्रेस ने सिजेरियन के जरिए अपनी बेटी को जन्म दिया। हालांकि बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस नॉर्मल डिलीवरी के जरिए अपनी बेटी को जन्म देना चाहती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने उनके लिए सिजेरियन का चुनाव किया। बता दें कि बेटी की जन्म की जानकारी आलिया भट्ट ने कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर एक खास पोस्ट के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर की थी। आलिया ने अपने पोस्ट में शेर, शेरनी और शावक की एक तस्वीर शेयर की थी। इसके साथ ही उन्होंने कैप्शन में लिखा था, हमारी जिंदगी की बेस्ट न्यूज, हमारा बेबी आ गया है। वो बिल्कुल एक जादुई गुड़िया जैसी लगती है। पेरेंट्स बनने की खुशी महसूस हो रही है। जानकारी के लिए बता दें कि सिजेरियन को ही सी सेक्शन के नाम से जाना जाता है। जब कोई महिला किसी दिक्कत के कारण बच्चे को नॉर्मल तरीके से जन्म नहीं दे पाती तो उसके लिए सी सेक्शन का चुनाव किया जाता है। हालांकि इसमें कोई खतरा नहीं होता, लेकिन सिजेरियन के नाम से महिलाएं और परिवार वाले काफ़ी डर जाते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े रहें और बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब करना ना भूलें।